रायबरेली जिले के ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र के पट्टी रहस गांव के रहने वाले सैकड़ों की संख्या में मनरेगा मजदूरों ने ब्लॉक परिसर में जमकर हल्ला बोला और धरने पर बैठ गए। मनरेगा मजदूरों की भारी भरकम संख्या देख अधिकारियों के होश उड़ गए। आनंद फानन में उन्होंने किसी तरह मजदूरों को समझाया और उनकी समस्या के निदान का भरोसा दिलाया, जब जाकर मनरेगा मजदूरों ने धरना खत्म किया। जानकारी के अनुसार मनरेगा में बीते कई दिनों से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जिससे वो भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे हैं। इन्हीं सब को लेकर मजदूरों ने ब्लॉक परिसर में जमकर हल्ला बोल दिया और अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गए। साथ ही मजदूरों ने BDO पर भी गंभीर आरोप लगाए। मामला बढ़ता देख आला अधिकारियों ने किसी तरह मजदूरों को समझाया व उनकी समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया, तब जाकर मजदूर माने और अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। मेरा नाम अनुज उपाध्याय है, ग्राम सभा पट्टी राज कैथवल, विकास खंड ऊंचाहार, जनपद रायबरेली। अनुज जी, क्या कारण है कि आप सैकड़ों लोगों के साथ धरने पे बैठ गए हैं? सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से अत्यंत ही प्रभावित हैं। कोरोना महाकाल में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को मनरेगा योजना के माध्यम से बहुत ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया गया, लेकिन ऊंचाहार BDO श्री विजयेंद्र कुमार सिंह जी द्वारा जनपद रायबरेली के 18 ब्लाकों में 16 ब्लाकों के अतिरिक्त ऊंचाहार और रोहनिया में जिन भारी मात्रा में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए था और 60-40 के अनुपात में हर गांव सभा में पक्के और कच्चे कामों की स्वीकृति दी जानी चाहिए थी और पुराने बिल के भुगतान की प्रक्रिया चालू की जानी चाहिए थी, उन्होंने भेदभावपूर्ण रवैया अपना करके ऊंचाहार के किसी भी ग्राम सभा में ये सरकार की मंशा को बिल्कुल पलीता लगा रहे हैं। और उनसे यदि किसी प्रकार से कहा जाता है कि हमारी ग्राम पंचायतों में आप ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दीजिए, पक्के काम दीजिए, तो उनका साफ सा कहना है कि मेरे ऊपर भारी दबाव है और आप हमारा ट्रांसफ़र करा दीजिए। बताइए, हम गरीब ग्रामीण लोग अगर अधिकारियों के ट्रांसफ़र करवाने लायक होते। कहाँ की रहने वाली हैं? पक्काताल। किस लिए धरने पे बैठ गए आप लोग? हमको काम नहीं मिल रहा था और न कोई रोजगार है, बच्चे छोटे छोटे हैं, का खवाई का करी, न खेती है न बारी हमारे पास, और प्रधान कहाँ से दे पावे। अच्छा, और पता नहीं कहाँ से का है, हम लोग का खाई भाई। पक्के काम का पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ कच्चा काम भी नहीं मिल रहा शायद इन लोगों को जी। लेकिन हमारे गांव में जो इंटरलॉकिंग का काम हुआ है वो पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं हमारे। तो क्या लग रहा है कि BDO जो जिस तरीके से विकास कार्य होना चाहिए सरकार कह रही है, तो क्या उस पर सही शॉट काम नहीं हो पा रहा है आप लोग के द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा? के द्वारा तो काम हुआ है, उसका पेमेंट होना चाहिए, तभी सब भाई पूरा बकाया पड़ा पार्टियों का, तो लाल ईंट का, पत्थर ईंट का। नाम है आपका? श्रीराम यादव। किस गांव के रहने वाले हैं? दादा, किस लिए धरने पे बैठ गए हैं? सर, इसलिए हम बैठे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोगों को मनरेगा चाहिए और मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मनरेगा दे रही है तो हम लोगों को मनरेगा में काम क्यों नहीं मिल रहा है। हम इसलिए धरने पर बैठे हैं कि हमारे यहाँ जो BDO साहब हैं उनको जो है कोई दबाव बस या किसी कारणवश मतलब काम ग्राम सभा पट्टी रहस कैथवल या अन्य हमारे मौजे के प्रधानों को काम नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में BDO साहब खुल के हमारे सामने आवें और हमको मतलब एक शब्द में बताएं कि हाँ इस कारण से आपको मनरेगा में काम आपके ग्राम सभा पट्टी रहस कैथवल में नहीं मिल रहा है। और हम एक बात जानना चाहते हैं, BDO साहब मेरे सामने खुल के आवें, मेरी जनता के सामने आके। रायबरेली से मेहताब अहमद की रिपोर्ट।